Subscribe for every time new updates. And press bell icon for hot notifications. स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से टैगर चैनल के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको कोप्पा यानी COPPA एक्ट के बारे में मैं काफ़ी बढ़िया से जानकारी दे दूं और आपको मैं ये भी बता दूं कि आपको कोप्पा के तहत जब भी वीडियो अपलोड करते हैं आप तो आपको यस करना है फिर नो करना है। नो करने के लिए आपका वीडियो कैसा होना चाहिए और यस करने के लिए आपका वीडियो कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज तो हैं। अगर मैं यस कर दूंगा तो शायद मेरी अर्निंग कम हो जाएगी, अगर मैं नो कर देता हूँ और बच्चों की वीडियो बनाता हूँ तो शायद मेरी अर्निंग बढ़िया हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन फिलहाल पूरे इंडिया के अंदर इसी बात का चर्चा हो रहा है कि दरअसल ये कोप्पा है क्या। दोस्तों ये चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि US गवर्नमेंट के द्वारा कानूनी कार्रवाई आप समझ सकते हैं। इस कानूनी कार्रवाई के तहत आपका चैनल टर्मिनेट किया जा सकता है या फिर डिलीट भी किया जा सकता है अगर आप गलती करते हैं तो। वो कौन से चैनल्स हैं जिनके ऊपर स्पेशली इस कोप्पा को लगाया गया है, तो इन सब की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि आपको कोप्पा के अंदर या फिर इस नए प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर करना क्या है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं YouTube के ऊपर नया प्राइवेसी पॉलिसी प्रोटेक्शन चिल्ड्रंस ऑनलाइन। काफ़ी अलग अलग मतलब कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये कोप्पा इतनी बड़ी मतलब बवाल वाली चीज़ भी नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। सीधा सा है, नॉर्मली हम सब वीडियो तो अपलोड करते ही हैं। स्टूडियो बेटा के अंदर ये नया फीचर ऐड कर दिया गया है, तो ये फीचर उन लोगों के लिए है जो कि बच्चों के साथ वीडियो बनाते हैं। जैसे कि आप एक वीडियो बनाते हैं उसमें आपने कुछ बच्चे लिए हैं, फिर एक बच्चा लिया है जिसकी उम्र 18 से कम है। ऐसे बच्चों को अगर आप अपने वीडियो के अंदर काम में लाते हैं फिर इनके साथ काम करते हैं तो आपको कोप्पा का यहाँ पर यस करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यस करना पड़ेगा। नंबर दो बात दोस्तों ये है कि आप कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं जिनके अंदर आप बच्चों के खिलौने दिखाते हैं या फिर बच्चों से जुड़ी चीज़ें दिखाते हैं या फिर बच्चों के कुछ गाने जो कि काफ़ी हल्के फुल्के होते हैं जिन्हें बच्चे पसंद करते हैं या फिर उनकी ही ऐसी सामग्रियां जो भी हैं जो कि बच्चों की तरफ इशारा करती हैं किसी भी प्रकार से, तो वहाँ पर आपको यस करना होगा वीडियो डालते समय। अब यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल भी मेंशन नहीं की गई है दोस्तों कि आपको ये करना ही है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है YouTube की तरफ से कि आपको यस करना है या फिर नो करना है या फिर इनमें से एक को चूज करना ही करना है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच गए हैं। यहाँ पर दोस्तों होगा ये, अगर आप बच्चों से जुड़े हुए कंटेंट बनाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि मैं नो कर देता हूँ, चलो ठीक है आपने कर दिया, या फिर सोचते हैं कि इसको मैं छोड़ देता हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सिस्टम पूरा का पूरा मशीन लर्निंग पर चला जाएगा। और मशीन लर्निंग वाला जो ऑटोमेटिक सिस्टम है यूट्यूब का, वो इसे अभी सीख रहा है, इतना बड़ा परफेक्ट नहीं है, इसीलिए यूट्यूब ने इसे मैन्युअली हैंडल करने के लिए यूज़र के विश्वास को देखते हुए कि यूज़र जो है विश्वास के साथ हमें सही जानकारी देगा तो आपके लिए ये ऑप्शन छोड़ा। अदरवाइज़ ये मशीन लर्निंग के साथ भी हो सकता था, लेकिन आपको हमेशा सही जानकारी YouTube को देनी पड़ेगी। अगर मशीन लर्निंग के साथ आपका चैनल एक बार जुड़ जाता है तो आप यहाँ पर जो है अपील भी कर सकते हैं, बाद में अपील कर सकते हैं अगर आपके पास गलत हुआ तो, या फिर आपके साथ जो भी गलत हुआ उसकी अपील आप कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन आपको बाद में मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर आप चिल्ड्रंस वाले वीडियो बनाते हैं या फिर उनसे जुड़ी हुई वीडियोज़ बनाते हैं तो यस कीजिए। नंबर दो, वो वीडियोज है जैसे कि टेक चैनल हैं या फिर कॉमेडी चैनल हैं या फिर जो म्यूजिक वगैरह बनाते हैं, जो कि म्यूजिक चैनल हैं, जो कि गाने बनाते हैं, उन सब के लिए। तो गाने से लेकर चले तो वहाँ पर बच्चे भी गाने देखते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बच्चे तो गाने गाते भी हैं सुनकर। या फिर जैसे कि कुछ सेलिब्रिटी टाइप है या फिर बात करते हैं आप अमिताभ बच्चन के बारे में बताते हैं या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी के बारे में बताते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है बच्चों को भी पसंद होती है, तो वहाँ पर भी आपको यस करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन इसके अंदर दोस्तों और लागू होती है। यहाँ पर आप सोचते हैं कि हमारा जो कंटेंट है या फिर मैं एक वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर ऐसी कोई भी गलत चीज़ नहीं है, ना ही अनऑफिशियल वर्ड्स हैं, इसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर आप
बेझिझक नो कर सकते हैं। नो करने के लिए आप जैसे कि बनाते हैं कॉमेडी के वीडियोस, अगर कॉमेडी के वीडियो में आप बिल्कुल भी सीधी भाषा में बोलूं तो गाली गलौज अगर नहीं करते हैं किसी भी प्रकार की तो आप नो कर सकते हैं, वहां पर बिल्कुल आराम से नो कर सकते हैं। और नीचे जो है एडवांस्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, उसमें 18 माइनस कर सकते हैं या फिर उसे खाली भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हर एक वीडियो के साथ आपको ये वाला ऑप्शन एक ना एक यहाँ पर चूज करना ही होगा। यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग पॉलिसी जो है बच्चों के लिए ही लगाई हैं। नॉर्मली जो है कुछ हद तक पहले भी काफ़ी सारी पॉलिसीज चिल्ड्रंस के ऊपर लगाई गई हैं, जो कि चिल्ड्रंस के साथ बदसलूकी करते हैं, चिल्ड्रंस को मारते पीटते हैं, ऐसे वीडियो बनाकर डालते हैं, फिर उनके साथ धोखा करते हैं या फिर बच्चों को तंग करते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं जिससे जो दूसरे बच्चों के ऊपर काफ़ी गलत असर पड़ता है, जिससे उनकी मानसिक जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, फिर मानसिक स्थिति जो है बिगड़ जाती है, वो भी वैसा ही सोचने लगते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो वो जो है ठीक से ना खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, ना सो पाते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वाला नया एक्ट बनाया। इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि सिंपली जो है अगर आपका कंटेंट बच्चों से जुड़ा हुआ है तो आप यस कर दीजिए। सिंपल, वेरी सिंपल है दोस्तों। अगर आपका कंटेंट ऐसा है जैसे कि कॉमेडी का है या फिर टेक से रिलेटेड है, फिर आप व्लॉगिंग करते हैं, तो व्लॉगिंग के अंदर आपको नो करना पड़ेगा। अगर आप गलत नहीं बोलते हैं या फिर बच्चों से रिलेटेड नहीं है व्लॉगिंग, तो आपको नो करना पड़ेगा। लेकिन उस समय आपको ये ध्यान देना होगा व्लॉगिंग के अंदर कि आपके व्लॉगिंग करते समय कोई बच्चों की टीम या फिर कुछ स्कूल के बच्चे जा रहे हैं जिनसे आप मिले हैं, अगर ऐसा कुछ है तो या तो उसे हटा दीजिए या फिर उसको ऑप्शन में यस आपको करना होगा। अगर आप यस नहीं करेंगे तो मशीन लर्निंग डायरेक्ट बच्चों को समझ लेती है और आपको गलत साबित करके आपका चैनल टर्मिनेट कर सकती है। तो बस इतना सही आपको करना है, बस आपको ये देखना है कि हमारे वीडियो के अंदर कोई बच्चे तो नहीं है, इसी प्रकार से आपको चलना है देखकर। और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपनी जगह पर सही है तो यहाँ पर आपको कुछ भी खास नहीं करना है। तो डायरेक्टली जैसे कि कॉमेडी का चैनल तो आप नो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर आपके वीडियो के अंदर बच्चे काम कर रहे हैं तो सिंपली आपको यस ही तो करना है, यस कर दीजिए और YouTube को बता दीजिए कि हाँ हमारे चैनल के ऊपर या फिर हमारे वीडियो में कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस YouTube जानना चाहता है कि कितने चैनल्स के अंदर बच्चे काम करते हैं, ताकि उनको अलग से फिल्टर करके देख सके और बच्चों तक वो चीज़ पहुंचा सके। और जो नो करते हैं उनके वीडियो जो हैं वो 18 से कम उम्र के बच्चों के पास नहीं जाएंगे, बस इतना यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी और ये वाला सॉल्यूशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा जो कि मैंने अभी बताया है। शायद आप संतुष्ट भी हो गए होंगे इस वाले फीचर्स हैं जो भी है। मिलते हैं दोस्तों एक और फ्रेश और बढ़िया वीडियो के अंदर एक और नई बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।